नमस्कार, मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत हासिल हो गई है। भाजपा को मिल रही बंपर बढ़त के बाद अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज से मिलने उनके निवास पहुंचे। इसी बीच उनकी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया की एक तस्वीर बेहद खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के ठीक बगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। पर जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज की ये तस्वीर सामने आई है, तब से ही बेहद तेजी से ये तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। दोनों ही इस तस्वीर में बातचीत करते नजर आ रहे हैं और तभी इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आखिर सीएम शिवराज सिंह चौहान से ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं। हालांकि ये कुछ दिनों बाद ही साफ होगा कि आखिर सीएम शिवराज के कान में ऐसा कौन सा मंत्र फूका था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, या ऐसी कौन सी बात कही थी जिसके चलते वो बेहद तेजी से चर्चा में है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। बता दें कि भाजपा मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर चुकी है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान मिट चुका है। बता दें कि कांग्रेस अब 65 सीटों पर सिमट चुकी है। यह एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मानी जा रही है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत ने सबको हैरान करके रख दिया है। मध्य प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने अपना कमाल रच दिया। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।